हे गाइस, दिस इज रितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द फैशन फिल्टर गाय। सो अभी आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो वी आर इन द ट्रेन और हम जा रहे हैं जोधपुर। सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, मैं जोधपुर में 2012 से 2013 में रहता था। मैंने अपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर जोधपुर से किया है। सो इट विल बी अ स्पेशल ट्रिप फॉर मी, क्योंकि मैं 10 साल के बाद जोधपुर जा रहा हूँ। सो मैं अपनी जो पुरानी मेमोरीज हैं उनको रिवाइव करना चाहता हूँ। सो लेट सी इस बार मेरी जोधपुर की ट्रिप कैसी रहती है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द जोधपुर ट्रिप। सो आप मेरे साथ इस पूरी ट्रिप में ऐसे ही बने रहेंगे और हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। सो गाइज, मैं जोधपुर अकेले नहीं आया हूँ, मैं अपने दो फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। सो हम लोग टोटल 3 लोग आए हैं जोधपुर, और वो आपको वीडियो में नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो दोनों कैमरा शाय हैं। सो लेकिन मैं आपको जोधपुर बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ। यहाँ की मोस्ट विजिट प्लेसेस, यहाँ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो अगर आपने जोधपुर नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत स्पेशल होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो अब हम जस्ट जोधपुर पहुँचने वाले हैं। जोधपुर से जस्ट पहले एक स्टेशन आता है राय का बाग, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेशन होगा जोधपुर। सो हम विद इन 15 to 20 मिनट्स में अब जोधपुर पहुँचने वाले हैं। वो ये, सो फाइनली अब हम जोधपुर पहुंच चुके हैं, और आप देख पा रहे होंगे काफ़ी गर्मी है यहाँ पर। जोधपुर की एक स्पेशल पार्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सुबह नहीं होती, यहाँ पर डायरेक्ट दोपहर हो जाती है। सो अभी शायद सुबह मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं, लेकिन गर्मी इस तरह की है जैसे दोपहर के 2 बज रहे हो। सो अब हम जोधपुर पहुँच चुके हैं, और अब हम फाइनली अपने होटल के लिए टैक्सी लेने वाले हैं। सो बस फटाफट से अब हमें टैक्सी मिल जाए और हम अपने होटल में जाकर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम 15 आवर्स लॉन्ग जर्नी करके काफ़ी थक चुके हैं। सो देखते हैं अब हमें टैक्सी कैसे मिलती है। सो गाइज, आप देख पा रहे होंगे जोधपुर स्टेशन का इंटीरियर है, और काफ़ी सुंदर राजस्थानी वाइब्स दे रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसका इंटीरियर किया गया है। और आप देखिए, अब हम बाहर आ चुके हैं स्टेशन के, और काफ़ी रश है यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे सूरज किस तरह से चमक रहा है। जोधपुर को सन सिटी भी बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गर्मी रहती है। सो ये है पाल हवेली, ये होने वाला है हमारा होटल, यहाँ पर हम एक दिन के लिए रुकेंगे। ये 18th century हवेली है। सो अब हम हवेली के अंदर एंटर कर रहे हैं, और देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस हवेली में रहने का कैसा रहने वाला है। ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने किसी हेरिटेज होटल में मैं रुकने वाला हूँ। सो देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस हवेली में रुकने का कैसे रहता है। सो अभी हम जस्ट चेक इन करेंगे और फिर आगे होटल में एक दिन के लिए रहने वाले हैं। सो अभी आप देख पा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिसेप्शन एरिया, जो कि बहुत सुंदर से डेकोरेट किया गया है। मैं आपको हवेली का पूरा जो टूर है वो बाद में दूंगा एक बार में, अभी जस्ट हम बहुत थक चुके हैं तो बस होटल में एक बार चेक इन कर लें, और वी वांट टू रेस्ट फॉर सम आवर्स, उसके बाद हम घूमने के लिए निकलेंगे। सो होटल टूर और रूम टूर मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूँ। सो गाइस, फाइनली हम जोधपुर पहुंच चुके हैं आफ्टर 12 आवर्स ऑफ जर्नी, और रात को 11 बजे चले थे एंड अभी 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे, एंड फाइनली वी आर इन द रूम। और हमने बुक किया है पाल हवेली, एक हेरिटेज होटल है, और अब देख पा रहे हैं रूम बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी डिजाइन किया हुआ है। आप देख रहे हो कितना सुंदर डिजाइन वगैरह बने हुए। ओवरऑल मैं आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे एक 3 साइज बेड है, उधर हमारे पास टेबल है, टीवी है, इधर हमारा सिटिंग एरिया है, काउच वगैरह पड़ा हुआ है। इधर आप देख रहे हो बहुत सुंदर सा मिरर है, एंड इधर मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम भी काफी प्रिटी है, सी इसमें सारे टॉयलेटरीज वगैरह हमें दी हुई है, और मतलब इट्स वेरी प्रिटी रूम देख के। जिस हिसाब से हेरिटेज होटल है, रूम का साइज एंड रूम इज वेरी नाइस। सो अभी हमारा यही घर रहने वाला है फॉर नेक्स्ट 1 डे, हम यहाँ पर एक दिन के लिए रुकने वाले हैं। सो देखते हैं हम क्या मजे करते हैं। सो हम मिलेंगे जब मैं रेडी हो जाएंगे, फिर रेडी होकर हम मेहरानगढ़ फोर्ट जाएंगे, एंड देन विल सी कि आगे का पूरा डे हम कैसे प्लान करते हैं। तो आप वीडियो में यही बने रहिएगा और कहीं मिल जाएगा। Feel the pain, feel the grind, I could change in my mind.
सो अब जो आप अपने सामने देख रहे हैं वो है गुलाब सागर, जिसके सामने एकदम मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू है। तो अभी हम लंच करने के लिए आए हुए हैं और हम बैठे हुए हैं ओटा बाय हेवन में। सो अभी हम इस व्यू के साथ लंच करने वाले हैं और गुलाब सागर बहुत ही सुंदर लगता है इवनिंग में, यहाँ पे काफ़ी लाइटिंग वगैरह होती है। तो अगर हम टाइम में टाइम मिला तो हम इवनिंग में आएंगे, अदरवाइज़ आप अभी इस व्यू को एंजॉय कर लीजिए और देखिए कितना ब्यूटीफुल है गुलाब सागर। सो गाइज अब जो आप अपने सामने देख रहे हैं वो है तूरजी का झालरा। ये एक बहुत ही फेमस स्टेपवेल है जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट के बिल्कुल पास में ही है और इसके आसपास काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल कैफेज़ बने हुए हैं जो कि दो व्यूज़ देते हैं, एक तो तूरजी का झालरा का व्यू और दूसरा मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू। सो गाइज अब बज चुके हैं इवनिंग के 4 और हम आ चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। सिंस मेहरानगढ़ फोर्ट को घूमने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं और यहाँ से सनसेट बहुत ही सुंदर दिखता है, इसलिए हमने सोचा हम इवनिंग में मेहरानगढ़ फोर्ट जाएँ। सो अभी हम जस्ट मेहरानगढ़ फोर्ट में एंटर करने वाले हैं और बहुत ही सुंदर दुर्ग है मेहरानगढ़ फोर्ट का, जो मेन एंट्रेंस है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स अब जो आप अपने सामने देख रहे हैं वो है पालकी खाना। तो यहाँ पालकी खाने में क्या है कि बहुत पुरानी पुरानी टाइम की पालकियाँ रखी हुई हैं, ये कम से कम 200-300 साल पुरानी पालकियाँ होंगी जो कि राजा महाराजाओं के लिए यूज़ होती थी। डिफरेंट टाइप की पालकियाँ आपको इस पालकी खाना में मिल जाएंगी। सो अभी काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और सब एक एक पालकी को बहुत ही अच्छे से निहार रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। और ये रॉयल पालकी जो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी स्पेशल है। सो इस तरह की पालकियाँ यहाँ पे बहुत सारी रखी हुई हैं। सो गाइज अब हम आ चुके हैं आर्चरी रूम में, जहाँ पे राजा महाराजाओं द्वारा यूज़ होने वाले युद्ध के सामान रखे हुए हैं, जैसे कि शील्ड हो गया, स्वॉर्ड हो गया, इस तरह के सामान हैं। और अब हम आ चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर। सो मेहरानगढ़ म्यूज़ियम के अंदर पुराना आइटम सारा रखा हुआ है, काफ़ी संजोकर बहुत खूबसूरती से सारा आइटम को सजा के रखा हुआ है। सो बेसिकली हम एक एक करके सारे आइटम्स को देख रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे अभी राजा महाराजाओं के द्वारा पहने जाने वाली पोशाक आपको नज़र आएगी। सी देखिए, ये वो पोशाक है। सो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ के टॉप पर। सो यहाँ से पूरा सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है और सामने जो आप सफ़ेद कलर का देख पा रहे हैं वो है जसवंत थाड़ा, जिसे राजपूतों का ताजमहल भी कहा जाता है। सो ये बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर देखिए अब हम और ऊपर आ चुके हैं और पूरा सिटी का व्यू हमें बहुत सुंदर नज़र आ रहा है। सामने ये राव जोधा डेजर्ट पार्क है, जहाँ पर बहुत डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं और यहाँ पर भी लोग स्पेशली घूमने आते हैं। सो अभी आप जो देख पा रहे होंगे वो हैं तोपें, जो कि टॉप पर हैं, वो मेहरानगढ़ के टॉप पर हैं और जो कि डिफरेंट तरह की तोप लगाई गई हैं। पहले आप तोप के पास जा सकते थे बट अब थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया गया है कि आप इसके एकदम कॉर्नर तक नहीं जा सकते और थोड़ा दूर से ही देख सकते हैं। सो हमारा मेहरानगढ़ आने का जो मेन मकसद था वो पूरा हो चुका है। देखिए सनसेट हो रहा है और काफ़ी खूबसूरत लगता है सनसेट मेहरानगढ़ फोर्ट से। सो अब हम सनसेट इन्जॉय कर रहे हैं और अब फ्रेंड्स अब हम नीचे आ चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के और अब हम नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। सो अभी जब हम आए थे हम टैक्सी के थ्रू आए थे बट हमने लौटने का प्रोग्राम स्टेयर्स से बनाया है। यहाँ से कुछ स्टेयर्स जाती हैं जो कि आपको डायरेक्ट सिटी के थ्रू लेके जाती हैं और जहाँ से आपको ब्यूटीफुल ब्लू सिटी का पूरा व्यू दिखता है, जहाँ से आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और अभी हम सिटी टूर पर जाएंगे जहाँ से ब्लू मकान दिखते हैं। सो बेसिकली ब्लू सिटी जोधपुर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम मकान ब्लू कलर के हैं जो मेन सिटी एरिया में है। सो बहुत ही सुंदर मकान बने हुए हैं और एकदम सबको ब्लू पेंट किया गया है। सो गाइज अब हम आ चुके हैं बहुत ही फेमस डिनर
प्लेस पे जिसका नाम है ऑन द रॉक्स। मैं यहाँ पे 10 साल पहले भी डिनर करने आता था, तो यहाँ से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। सो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर एक नीम के पेड़ के अंडर डिनर सर्व किया जाता है और एकदम कैंडल लाइटिंग होती है। सो बहुत सुंदर एम्बियंस लगता है। सो बेसिकली आई जस्ट लव दिस प्लेस। सो अभी हम यहाँ पर डिनर एंजॉय करेंगे, उसके बाद होटल वापस जाएंगे। Hey guys, good morning. So it's our day two in Jodhpur. आपने देखा हमने कल काफी मस्ती की। सबसे पहले हमने गुलाब साहब में विजिट किया, देन हम तूर जी का झालरा गए, काफी सारे क्यूट रेस्टोरेंट में हमने कैफेज में हमने लंच किया, एंड देन हम ओटी आ गए डिनर के लिए। और इसके अलावा हमने मेहरानगढ़ फोर्ट को कवर किया। सो आज हमारा डे टू है और हम लोग अब ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो गए। टाइम कुछ हो रहा है 9:00 इन द मॉर्निंग और हमें अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। वी हैव टू गो टू द फर्स्ट फ्लोर फॉर आवर ब्रेकफास्ट बुफे। सो अभी हम उसी के लिए तैयार हो रहे हैं। वैसे आज हम इवनिंग में जोधपुर से निकल भी रहे हैं। सो वी हैव अ ट्रेन एट 8 PM इन द इवनिंग। सो बस अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होते हैं और आज का प्लान हमारा ये है कि शायद आज हम मंडोल गार्डन जाएंगे, उमेद भवन जाएंगे, कायलाना लेक जाएंगे और देखते हैं हम क्या क्या कवर कर पाते हैं। थोड़ी बहुत हमें शॉपिंग भी करनी है। सो आप वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा एंड वी आर गोइंग टू हैव सो मच फन। सो लेट्स मीट, आगे मिलते हैं जब हम आगे घूमने के लिए निकलेंगे। अभी ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। सो गाइज, आज भी काफ़ी ब्राइट सनी मॉर्निंग है और हम आ चुके हैं उम्मेद भवन पैलेस। आज हमने अपने डे की स्टार्ट उम्मेद भवन पैलेस से की है। सो हम उम्मेद भवन पैलेस के एंट्रेंस पर हैं। उम्मेद भवन पैलेस को चित्तर पैलेस भी बोला जाता है क्योंकि ये चित्तर हिल पे बना हुआ है। काफ़ी रश आया हुआ है आज उम्मेद भवन पैलेस को देखने के लिए। सो ये है फ्रेंड्स, अब जो आप अपने सामने देख रहे हैं उम्मेद भवन पैलेस, इसको वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंसेज भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान जोधपुर की रॉयल फैमिली रहती है। और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं, यहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की भी शादी हुई थी। सो ये जगह बॉलीवुड में और भी ज्यादा फेमस हो गई थी। सो फ्रेंड्स, अब हमने एंटर कर लिया है उम्मेद भवन म्यूजियम। सिंस उम्मेद भवन पैलेस के अंदर आपको जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वो ताज होटल के द्वारा मैनेज्ड है, उसके लिए आपको ताज होटल की बुकिंग करनी पड़ती है, तब आप पूरे उम्मेद भवन पैलेस को देख सकते हैं। बट उम्मेद भवन पैलेस का एक पोर्शन आप अभी भी देख सकते हैं जो कि है म्यूजियम में कन्वर्टेड। सो आप अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजियम बनाया हुआ है जिसमें काफ़ी स्पेशल चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि ये कि आप देख पा रहे हैं पूरा एक उम्मेद भवन पैलेस का एक मिनिएचर फॉर्म बना के रखी हुई है और इस तरह से और भी सारे ब्यूटीफुल आइटम्स रखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लोग काफ़ी ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर सा म्यूज़ियम है। आप इस म्यूज़ियम को मेरे साथ एंजॉय करते रहिए और देखते हैं अभी म्यूज़ियम में आगे आगे आपको क्या क्या दिखता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम फोटो गैलरी सेक्शन में आए हुए हैं जहाँ पर महाराजा गज सिंह के फोटोज रखे हुए हैं। महाराजा गज सिंह जोधपुर के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये है महाराजा गज सिंह और उनके बहुत सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स यहाँ पर संजो के रखे हुए हैं फोटो गैलरी के अंदर, जो कि आप अभी आप देख पा रहे हैं। ये पिक्चर्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। सो गाइज, अभी जो अपने सामने देख पा रहे हैं वो है द वेरी फेमस मंडोर गार्डन्स। सो अगर आपने मंडोर गार्डन का नाम पहले नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वेरी फेमस बॉलीवुड मूवी हम साथ साथ है कि एक गाने की शूटिंग भी हुई थी। सो अभी हम स्पेशली इसीलिए मंडोर गार्डन को घूमने के लिए आए हैं, ये मंडोर सिटी में है।
सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं जोधपुर से वापस आ रहा हूँ और नेक्स्ट डे हम जस्ट दिल्ली पहुँचने वाले हैं। 6 o'clock हमारा टाइमिंग है दिल्ली पहुँचने का। मंडोर गार्डन से घूमने के बाद हमने फिलोस कैफे में डिनर किया और हम वापस ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल गए हैं। सो बेसिकली फ्रेंड्स अब हम दिल्ली आ चुके हैं। आई होप आपको इस वीडियो को देखने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे इस वीडियो को शूट करने में आया था। जोधपुर आना काफ़ी फ्रूटफुल रहा है, मुझे जोधपुर में काफ़ी मज़ा आया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।